वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सेवी फॉरेंसिक्स सो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं फ्राई स्टैंडर्ड वर्सेस डॉबर्ट स्टैंडर्ड पे आज हम इस वाले वीडियो में देखेंगे कि फ्राई स्टैंडर्ड क्या होते हैं डॉबर्ट स्टैंडर्ड क्या होते हैं एंड लास्ट में हम देखेंगे इसी वीडियो में इन दोनों में क्या डिफ्रेंशियशन है हम इनको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ठीक है सो बेसिकली जो फ्राई स्टैंडर्ड एंड डॉबर्ट स्टैंडर्ड हैं ये कुछ रूल्स हैं कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं जो कि यू के रूल्स हैं वहाँ पर जितने भी केसेस रहते हैं जो भी कोर्ट केसेस रहते हैं किसी भी तरह का कोई भी केस है तो उस पर जो स्टैंडर्ड्स सॉल्व uh, करने के लिए उस केस को सॉल्व करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स का यूज़ किया जाता है तो वो आपके फ्लाई स्टैंडर्ड या फिर डॉबर्ट स्टैंडर्ड होते हैं इसके अलावा कुछ और स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जो कि फेडरल रूल्स सेवन ज़ीरो टू वाले रूल्स हैं तो यहाँ पर मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है यहाँ पर मैंने सिर्फ फ्राई स्टैंडर्ड एंड डॉबर्ट स्टैंडर्ड के केस के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपके नेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगी तो वो आपके नेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ठीक है तो यहाँ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल सके एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो भी पहुँच जाए ठीक है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को एंड यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्राई स्टैंडर्ड्स क्या हैं सो इन नाइनटीन इन नाइनटीन ट्वेंटी फ्राई वर्स चार्ज विद सेकेंड डिग्री मर्डर सो so, जो फ्राई थे उनको 1923 में उनके ऊपर चार्ज किया गया था सेकेंड डिग्री मर्डर के केस का सो सेकेंड डिग्री मर्डर केसेस क्या होते हैं सेकेंड डिग्री मर्डर केसेस जैसे कि आप अगर यूएस की बात करें तो वहाँ पर जो मर्डर रहते हैं तो उनको दो में क्लासिफाई करते हैं एक तो रहता है आपका फर्स्ट डिग्री मर्डर केस सेकेंड रहता है आपका सेकेंड डिग्री मर्डर केस तो जितने भी आपके फर्स्ट डिग्री मर्डर केसेस होते हैं यूएस में वो सारे के सारे केसेस जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस होते हैं उनको फर्स्ट डिग्री मर्डर केसेस में इंक्लूड किया जाता है लेकिन अगर हम उन केसेस की बात करें जो उतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं लेकिन मर्डर के केसेस होते हैं उनको सेकेंड डिग्री मर्डर केसेस में इंक्लूड किया जाता है ठीक है तो ये रहते हैं आपके फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री मर्डर केसेस जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर कुछ केसेस होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड कुछ होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं ये आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इनके ऊपर मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी लेकिन तब तक के लिए यहाँ पर हम कुछ इसको शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं कि ये क्या होता है सो so, जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो सारे के सारे ऑफेंसेस जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं जैसे कि अगर किसी की डेथ हुई है मर्डर किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस बहुत ही मतलब ख़तरनाक तरीके से बहुत अजीब तरह से किया गया है या जो भी बॉडी है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज किया गया है काफ़ी ज़्यादा सीरियस केसेस हैं तो वो सारे के सारे केसेस को हम कॉग्निजेबल ऑफेंस में इंक्लूड करते हैं एंड जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं तो वो सारे के सारे ऑफेंसेस जो कि उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं ऑफेंस तो वो भी है ऑफेंस कॉग्निजेबल भी है ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल भी है लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में उतना ज़्यादा सीरियस केसेस को इंक्लूड नहीं किया जाता है तो उनको हम बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड जो बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ठीक है तो ये हो गया आपका अभी अगर हम बात करें कि इस इस स्टैंडर्ड में क्या था तो इसमें क्या था एक फ्राई नामक एक थे जिनके ऊपर सेकेंड डिग्री मर्डर का केस लगाया गया था 1923 में जब इनका ट्रायल हुआ था कोर्ट में जब ट्रायल चल रहा था तो वहाँ पर इनके ऊपर एक्सपर्ट ने अपनी जो टेस्ट किया हुआ था इनको जब टेस्टिफाई किया था तो ये जो टेस्ट किया था वो था सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिसेप्शन टेस्ट सो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिसेप्शन टेस्ट है ये उनके ट्रुथ को ट्रुथ टेस्ट होता है कि वो सच बोल रहे हैं या सच नहीं बोल रहे हैं सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या रहता है जैसे कि आपका जो ब्लड प्रेशर रहता है जब उसको आप मेज़र करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के काउंट्स मिलते हैं कुछ आपको डायस्टोलिक के काउंट्स मिलते हैं ठीक है तो इस वाले टेस्ट पे इन्होंने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को काउंट किया हुआ था एंड उसको जब उन्होंने मेज़र करा था तो उससे जो रिपोर्ट आई थी तो वो उन्होंने पफ, एक जो रिपोर्ट थी उसको उन्होंने कोर्ट में प्रेजेंट किया था तो जब कोर्ट में प्रेजेंट किया था तो जो टेस्ट था वो एलिजली शो कर रहा था या तो फ्राई झूठ बोल रहे हैं या तो फ्राई वॉज लाइंग या फिर जब उनको टेस्ट किया गया है या तो वो झूठ बोल रहे हैं या तो फिर या तो फिर वो झूठ बोल रहे हैं इसके अलावा क्यों ये ऐसा क्यों कहा जा रहा था क्योंकि जो ब्लड प्रेशर था जब उसको टेस्ट करते हैं जब पर्सन झूठ बोलता है तो जो ब्लड प्रेशर रहता है वो अचानक से राइस कर जाता है ठीक है एक तो ये हो गया अचानक से राइस कर जाता है लेकिन अगर वो सच बोल रहा है झूठ नहीं बोल रहा है तो उस केस में क्या रहता है जो उनका जो ब्लड प्रेशर रहता है वो सेम रहता है ब्लड प्रेशर उनका सेम रहता है तो इस वजह से जो टेस्ट आई थी तो उसमें कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वो रिपोर्ट शो कर रही थी कि फ्राई टेस्ट के टाइम पर झूठ बोल रहे थे ठीक है तो इस वजह से जो ट्रायल कोर्ट था उसने जो टेस्टिमनी थी जो रिपोर्ट आई थी एक्सपर्ट ने जो रिपोर्ट सबमिट करी थी कोर्ट में उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था ठीक है एंड इसके अलावा जो फ्राई थे उनको कन्विक्ट कर दिया गया था एंड अपील करी गई थी वापस से इसको टेस्ट करने की वापस से इनको टेस्ट करने के लिए ठीक है द इसी के बेसिस पर इतना सब कुछ हुआ था क्योंकि फ्राई के ऊपर ये रहा था कि उन्होंने झूठ बोला है तो इस तरह से जो केसेस आए थे उसके बाद में कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस को डिटरमाइन किया था गाइडलाइंस बनाई थी फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ साइंटिफिक एग्जामिनेशन एंड आर नोन एज फ्राई स्टैंडर्ड फ्राई टेस्ट और जनरल एक्सेप्टेंस टेस्ट ये जो केस हुआ था उस केस के बाद में जो कोर्ट था उन्होंने ये सोचा कि आगे से ऐसा कुछ भी ना हो जब भी कोई एक्सपर्ट टेस्ट दे तो वहाँ पर ऐसे कोई प्रॉब्लम फर्दर केसेस में ना हो तो उसके लिए इन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए थे एंड उन स्टैंडर्ड्स को इन्होंने जो नाम दिए थे वो दिए थे फ्राई स्टैंडर्ड इसको हम फ्राई टेस्ट भी कहते हैं या फिर इसको हम जनरल एक्सेप्टेंस टेस्ट भी कहते हैं ठीक है तो ये तीन नाम दिए थे इस स्टैंडर्ड को तो ये तीनों नामों के बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन पॉसिबिलिटी रहती है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सके तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि फ्राई के ऊपर कितने डिग्री का मर्डर केस लगाया गया था सेकेंड डिग्री का मर्डर केस लगाया गया था फर्स्ट डिग्री मर्डर सेकेंड डिग्री मर्डर क्या होता है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है एंड किस ईयर में ऐसा हुआ था एंड ये जो फ्राई स्टैंडर्ड है तो ये किस वजह से बनाया गया था तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है ठीक है फिर अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड ये जो स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली इन स्टैंडर्ड के बारे में हम देख लेते हैं ठीक है So, these are the scientific evidence presented to the court, must be interpreted by the court as generally accepted by a meaningful segment of the associated scientific community. दिस अप्लाइज टू प्रोसीजर्स प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दैट मे बी प्रेजेंटेड इन प्रोसीडिंग्स ऑफ अ कोर्ट केस सो यहाँ पर क्या रहता है कुछ साइंटिफिक एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट करे जाएंगे इसमें ऐसा उन्होंने कहा था कि प्रेजेंट किए जाने चाहिए जो कि कोर्ट इंटरप्रेट करेगा जो कि जनरली एक्सेप्टेड होंगे और वो जनरली एक्सेप्टेड होने चाहिए जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी होगी उनके द्वारा उससे रिलेटेड जितने भी आपके साइंटिफिक कम्युनिटी होगी उससे जनरली एक्सेप्टेड होने चाहिए वो पूरी प्रॉपरली चेक्ड होने चाहिए ठीक है इसके लिए इन्होंने कुछ प्रोसीजर्स प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के बारे में बताया था और ये इसके द्वारा पूरा प्रोसीजर प्रिंसिपल्स टेक्निक्स के द्वारा पूरा टेस्टिफाई होने के बाद ही इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना था उसको प्रेजेंट करना था ठीक है तो ये था आपका किसी प्रोसीडिंग के कोर्ट केस को वहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए इन प्रैक्टिकल ये जो एप्लीकेशन थी इस स्टैंडर्ड्स की वो क्या थी दोज होवर प्रोपोनेंट्स ऑफ अ वाइडली डिस्प्यूटेड साइंटिफिक इशू जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डिस्प्यूटेड साइंटिफिक इशू हैड टू प्रोवाइड अ नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स टू स्पीक टू द वैलिडिटी ऑफ द साइंस बिहाइंड द इशू इन क्वेश्चन वो सारे के सारे केसेस जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड साइंटिफिक इशू हो तो वहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स उसको देखेंगे फिर उसको बारे में बताएंगे उसकी वैलिडिटी के बारे में बताएंगे उस पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चन था जो भी इशू था उसके बारे में ठीक है तो ये इस स्टैंडर्ड के में बताया गया था कि ऐसा ऐसा इसमें होगा ठीक है दिस स्टैंडर्ड प्रिवेल्ड इन द फेडरल कोर्ट्स एंड सम स्टेट्स फॉर मेनी ईयर्स सो ये वाले जो तो स्टैंडर्ड थे जो फ्राई स्टैंडर्ड्स थे ये फेडरल कोर्ट्स में काफ़ी सारे स्टेट्स में बहुत टाइम तक बहुत सारे ईयर्स तक इनको यूज़ किया गया था लेकिन इतने ज़्यादा ये रिलाइबल नहीं थे जिस वजह से इनको फर्दर कंटिन्यू नहीं किया गया था इसी वजह से इनके बाद में जो आए थे वो डॉबर्ट स्टैंडर्ड आए थे ठीक है तो अभी हम देख लेते हैं कि डॉबर्ट स्टैंडर्ड क्या है सो डॉबर्ट स्टैंडर्ड में क्या है इन डॉबर्ट सेवन मेंबर्स ऑफ द कोर्ट एग्रीड ऑन द फॉलोइंग गाइडलाइंस तो यहाँ पर जब ये स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे थे तो वहाँ पर सेवन मेंबर्स की कमेटी थी जिन्होंने जो जो यहाँ पर साइंटिफिक एक्सपर्ट की टेस्टमिनी के लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे तो उनके लिए सेवन मेंबर्स ने एडमिट किया हुआ था कि हाँ ये सही है ये ज़्यादा आपके फ्राई स्टैंडर्ड से बेस्ट है एंड ये ज़्यादा रिलायबल रहेंगे तो यहाँ पर क्या बोला गया था जो जजेस रहेंगे कोर्ट में जो जजेस रहेंगे वो एक्ट करेंगे एज अ गेट कीपर मतलब कि जो भी चीज़ें उनके पास आएंगी उसको वो प्रॉपरली एग्जामिन करेंगे अच्छे से देखेंगे एंड देन अपना फर्दर रिपोर्ट uh, देंगे ठीक है इसके अलावा रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी जितने भी जज के पास में जो भी रिपोर्ट्स जाएंगी जो भी उनके पास टेस्टिमनीज जाएंगी जितने भी जज के पास डॉक्यूमेंट्स जाएंगे वो सारे के सारे की रिलायबिलिटी होनी चाहिए वो प्रॉपरली उनकी रेलिवेंसी होनी चाहिए वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी गलत नहीं होना चाहिए कुछ भी उसमें फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्सप टेस्टिमनी इस तरह का कुछ भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए देन साइंटिफिक नॉलेज इक्वल्स टू साइंटिफिक मेथड और मेथडोलॉजी, जितने भी आपके टेस्ट जाएंगे, जितने भी आपकी टेस्टमनी रिपोर्ट्स जितना कुछ भी जाएगा वो सारा का सारा प्रॉपरली साइंटिफिक नॉलेज से इक्विप्ड होना चाहिए दैट मीन्स उनको प्रॉपरली साइंटिफिक मेथड या जितनी भी साइंटिफिक मेथडोलॉजी है उससे प्रॉपरली उसको एग्जामिन किया हुआ होना चाहिए ठीक है तो ये था आपका डॉबर्ट स्टैंडर्ड में जो आपके फ्राई स्टैंडर्ड्स थे तो वहाँ पर सिर्फ ये कह रहे थे कि जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी है वो अगर कह दे कि हाँ ये सही है तो उसको सही मान लेते थे लेकिन डॉबर्ट में क्या हो गया डॉबर्ट स्टैंडर्ड्स में जितने भी रिपोर्ट्स हैं उनको प्रॉपर्ली जितने भी साइंटिफिक मेथड्स थे उनके बेसिस पर उनको प्रॉपर्ली चेक किया जाता था ठीक है तो ये थे आपके डॉबर्ट स्टैंडर्ड्स इसके अलावा ये जो स्टैंडर्ड्स है उसमें क्या था दैट कोर्ट ने डिफाइन किया था जो भी साइंटिफिक मेथडोलॉजी है एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस उसको एक फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस की जैसे उसको यूज़ किया जाएगा एंड देन कंडक्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट्स ताकि उसको हम प्रूव करें या फिर उसको हम फॉल्सिफाई करें उस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को जैसे कि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर उस रिसर्च के लिए एक हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ऐसा होगा उसके बाद में उसको हम प्रॉपरली चेक करते हैं कि ये सही है या गलत होगा ठीक है तो वो आपकी जो भी रिपोर्ट आती है तो वो लास्ट में टेस्टिफाई होता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है ठीक है तो उसी तरह से यहाँ पर जो भी आपके जो भी मेथड्स से जो भी कुछ था साइंटिफिक मैथड्स से उनको एक हाइपोथेसिस की तरह माना गया एंड उनको फिर प्रॉपर्ली उसको चेक किया गया एक्सपेरिमेंट किया गया उसके ऊपर एंड उसके बाद में उसको प्रूफ किया गया या फिर फॉल्सिफाई किया गया जो भी रिज़ल्ट आया उसके बेसिस पर बताया गया एंड प्रोवाइड किया गया अ सेट ऑफ इलेस्ट्रेटिव फैक्टर्स एंड डिटामाइनिंग वेदर द गिवन क्राइटेरिया आर मेट तो इसके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थे जिसके बेसिस पर उनको फालसिफाई करना था या उनको प्रूफ करना था कि हाँ वो सही है कि गलत है ठीक है तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था वो था वेदर द थ्योरी और टेक्निक इम्प्लॉयड बाई द एक्सपर्ट इज़ जनरली एक्सेप्टेड इन द साइंटिफिक कम्युनिटी तो यहाँ पर क्या था जो भी एक्सपर्ट जो भी टेस्टिमनी को जो भी मैथड को जो भी साइंटिफिक मैथड को यूज़ कर रहे थे क्या वो जनरली एक्सेप्टेड थी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए उसके अलावा वेदर इट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू पीयर रिव्यू एंड पब्लिकेशन क्या वो जो भी मैथड को यूज़ कर रहे थे वो पियर रिव्यू एंड उसका प्रॉपर पब्लिकेशन हुआ था उसको प्रॉपरली रिव्यू किया गया था कई सारे लोगों के द्वारा या नहीं ठीक है देन थर्ड क्या था वेदर इट कैन बी एंड हैज़ बीन टेस्टेड क्या उसको प्रॉपरली टेस्ट किया जा चुका है ऑलरेडी कि वो सही है या गलत है इसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन था वो था वेदर द नोन और पोटेंशियल रेट ऑफ़ एरर इज़ एक्सेप्टेबल उसमें जितना भी एरर रेट होता है रेट ऑफ़ एरर होता है पोटेंशियल एरर रेट होता है क्या वो एक्सेप्टेबल है एक्सेप्टेबल का मतलब ये है जो एरर रेट है तो वो कुछ रहता है कि काफ़ी मतलब इतना आपका है तो एरर एरर रेट आपका इतना है तो आपका वो एक्सेप्टेबल होगा ठीक है क्योंकि काफ़ी सारे केसेस में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है तो उसी वजह से एक एरर रेट रहता है पोटेंशियल एरर रेट तो वो एक्सेप्टेबल है उस पर्टिकुलर मेथड का या नहीं है ठीक है इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन था वो था वेदर द रिसर्च वॉज कंडक्टेड इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्टिकुलर लिटिगेशन और डिपेंडेंट ऑन एन इंटेंशन टू प्रोवाइड द प्रपोज टेस्टीमनी सो इसमें क्या था जो रिसर्च थी जो कि कंडक्ट करी गई थी तो क्या वो इंडिपेंडेंटली कंडक्ट करी गई थी उस पर्टिकुलर लॉ के लिए या फिर डिपेंडेंट थी इंटेंशन के इंटेंशन के ऊपर उस पर्टिकुलर प्रपोजल टेस्टिमनी के ऊपर ठीक है तो अगर कोई भी आपका जो भी एक्सपर्ट है एक्सपर्ट रिपोर्ट दे रहा है उसकी जो रिपोर्ट है वो जिस भी मेथड पर बेस्ड है जिस भी मैथडोलॉजी पर बेस्ड है तो वो अगर इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर रिलायबल है तो आपकी जो भी आपके रिपोर्ट थी उसको सही मान लिया जाता था अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देते थे ठीक है तो ये था आपका पूरी तरह से डॉबर्ट स्टैंडर्ड में कि डॉबर्ट स्टैंडर्ड्स में ऐसा ऐसा कुछ होता है ठीक है इसके अलावा द डॉबर्ट कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्वड दैट कंसर्स ओवर शेकी एविडेंस कुड बी हैंडल्ड थ्रू वीगरस क्रॉस एग्जामिनेशन प्रेजेंटेशन ऑफ कंट्रारी एविडेंस एंड केयरफुल इंस्ट्रोमेंटेशन ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ तो इसमें क्या रहता है था? जितने भी डॉबर्ट केसेज होते थे डॉबर्ट स्टैंडर्ड केसेज रहते थे तो वहाँ पर सारे के सारे जितने भी एविडेंसेस आते थे उनको प्रॉपर्ली विगरेस उनका क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होता था उनको पूरी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से काफ़ी ज़्यादा हर एक टॉपिक के अंदर घुस घुस कर हर एक टॉपिक के अंदर बहुत डीप में जा जाकर उनका प्रॉपर्ली क्रॉस एग्ज़ामिनेशन किया जाता था जो भी प्रेजेंटेशन होती थी एविडेंसेस की उनका केयरफुल इंस्ट्रक्शंस की ध्यान रखते हुए जितने भी इंस्ट्रक्शंस थे उसके वजह से पूरा अच्छी तरह से इसका एग्जामिनेशन किया जाता था ठीक है तो इसीलिए जो आपके डॉबर्ट स्टैंडर्ड थे तो उनको पूरा प्रॉपर्ली उनको टेस्टिफाई करते थे जितनी भी साइंटिफिक मेथड्स यूज होते थे उनको प्रॉपरली टेस्टिफाई करते थे उसके बाद में जो रिपोर्ट आती थी उसको रिलायबल या फिर उसको नॉन रिलायबल मानते थे ठीक है तो इसीलिए जो जितने भी डॉबर्ट स्टैंडर्ड थे उसको ज़्यादा वैल्यू दी गई थी इन कंपैरिजन टू फ्राई स्टैंडर्ड क्योंकि फ्राई स्टैंडर्ड में उतना ज़्यादा नहीं था तो इसी वजह से इन मैनी स्टेट्स साइंटिफिक एक्सपर्ट टेस्टीमनी इज़ नाउ सब्जेक्ट टू दिस डॉबर्ट स्टैंडर्ड बट सम स्टेट्स स्टिल यूज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द फ्राई स्टैंडर्ड्स तो जो मैक्सिमम स्टेट्स थी यूएस की तो वहाँ पर मैक्सिमम स्टेट्स में डॉबर्ट स्टैंडर्ड को यूज़ किया जा रहा था लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी थी जो कि फ्राई स्टैंडर्ड के मॉडिफिकेशन वर्जन को यूज़ कर रहे थे ठीक है तो ये हो गया आपका फ्राई स्टैंडर्ड एंड डॉबर्ट स्टैंडर्ड के बारे में अभी हम बात कर लेते हैं इनमें जो दोनों में जो बेसिक डिफ्रेंसेज हैं उनकी तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्राई स्टैंडर्ड की सो फ्राई स्टैंडर्ड इज इसेंशियली फोकस ऑन वन क्वेश्चन वेदर द एक्सपर्ट्स ओपिनियन इज़ जनरली एक्सेप्टेड ऑन द रेलिवेंट साइंटिफिक कम्यूनिटी तो जितने भी फ्राई स्टैंडर्ड थे वो बेसिकली सिर्फ एक क्वेश्चन पर रिलाईबल होते थे कि जो भी मैथड जो भी ओपिनियन दिया जा रहा है प्रजेंट किया जा रहा है जज के सामने वो क्या वो जो भी रेलिवेंट साइंटिफिक कम्युनिटी है उसके द्वारा एक्सेप्टेड है या नहीं है लेकिन जो डॉबर्ट स्टैंडर्ड थे तो वहाँ पर पूरी एक लिस्ट थी लिस्ट ऑफ फैक्टर्स थी उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को कंसीडर करने के लिए अगर वो पूरी लिस्ट में रिलायबल रिपोर्ट में रिलायबल आती थी तो उसके बाद ही उसको जज के सामने प्रेजेंट करने के बाद में उसको जज जो है रिलायबल या फिर नॉन रिलायबल मानते थे ठीक है तो लिस्ट क्या थी वो वो हम ऑलरेडी अभी क्वेश्चन के फॉर्म में उसको देख चुके हैं क्या क्या क्वेश्चन उस पर्टिकुलर रिपोर्ट से पूछे जाते थे देन नेक्स्ट क्या है प्लेसेस द डिसीजन मोर इन हैंड्स ऑफ द एक्सपर्ट्स ओन कम्युनिटी दैट मीन्स ज्यूरी डिटामाइंस वैलिडिटी ऑफ साइंस सो यहाँ पर क्या रहता था फ्राई में स्टैंडर्ड्स में क्या रहता था जो भी आपकी रिपोर्ट आती थी जो भी आपकी साइंटिफिक कम्यूनिटी जिस भी मैथड को यूज़ करते थे उसको रिलाईबल मान लेते थे जो ज्यूरी थी वो डिटामाइन करती थी कि जो वैलिडिटी है साइंस की वो है या नहीं है ठीक है लेकिन जो डॉबर्ट स्टैंडर्ड थे तो वहाँ पर क्या था ट्रायल जजेस जो थे जितने भी जजेस बैठते थे वो सिर्फ गेट कीपर की तरह काम करते थे कि हाँ बस ये मेरे पास आया ये 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 मेरे पास आया एंड इसके बाद में अब जो कुछ आया है उसमें उनको प्रॉपर पढ़ने के बाद में बताना है कि क्या रिलायबल है क्या मतलब एक्सेप्टेबल है उसके बेसिस पर क्या रिजल्ट आएगा ठीक है इसके अलावा जो फैक्टर्स असिस्ट करते थे जितने भी आपकी जो भी एडमिसिबिलिटी होगी कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट या ये जो साइंटिफिक मेथडोलॉजी है वो एडमिसिबल है या नहीं है तो उसके लिए पूरा प्रॉपर एग्जामिनेशन किया जाता था ऐसा नहीं रहता था कि सिर्फ जूरी ने कह दिया जो भी जजेस बैठे उन्होंने कह दिया कि हाँ ये सही है ये एक्सेप्टेबल है ये नॉन एक्सेप्टेबल है तो ऐसा नहीं होता था डॉबर्ट में उसको पूरा प्रॉपरली एग्जामिन करते थे ठीक है देन इसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या है

and the एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड द methods टू फैक्ट टू द फैक्ट्स ऑफ द केस तो उस केस के जितने भी पूरा उसको प्रॉपरली एग्जामिन करते थे उसकी रिलायबिलिटी उसके प्रिंसिपल्स उसके, उसके मैथड्स उसका जो भी फैक्ट्स हैं डेटा है एप्लीकेशन है वो सारे के सारी चीज़ों को प्रॉपरली उसमें इस डाउबर्ट स्टैंडर्ड में एग्जामिन करते थे लेकिन फ्राई में सिर्फ ये देख लेते थे कि जो भी मैथड यूज़ किया जा रहा है क्या वो साइंटिफिक कम्यूनिटी से जनरली एक्सेप्टेड है या नहीं है ठीक है इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है प्योर ओपिनियन एक्सेप्शन इसमें क्या था इफ़ एंड एक्सपर्ट्स ओपिनियन रिलाईज ओनली ऑन द एक्सपर्ट्स पर्सनल एक्सपीरियंस एंड training, the testimony is admissible without being subject to फ्राई इसमें क्या था जितने भी आपके आ, जितने भी आपके टेस्टिमनीज रहती थी जितनी भी रिपोर्ट्स रहती थी उनकी रिलायबिलिटी उनकी ट्रुथफुलनेस सिर्फ इस चीज़ पर और, और, सिर्फ़ इस चीज़ पर रहती थी सिर्फ इस चीज़ पर जजेस मान लेते थे कि जो भी पर्सन इसकी जिस रिपोर्ट दे रहा है उनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है उनकी ट्रेनिंग क्या है उसके बेसिस पर उसको रिलायबल या फिर नॉन रिलायबल मान लेते थे कि सिर्फ आपका जो भी एक्सपर्ट है उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है उसने ट्रेनिंग बहुत अच्छी कर रखी है तो वो जो भी देगा रिपोर्ट देगा वो सही ही होगी ठीक है तो ये रहता था फ्राइव स्टैंडर्ड में लेकिन जो डॉबर्ट स्टैंडर्ड्स थे तो वहाँ पे क्या रहता था जो भी एक्सपर्ट होता था उसको एक्सप्लेन करना पड़ता था हाउ एक्सपीरियंस लीड्स टू द कंक्लूजन जो भी उनका एक्सपीरियंस है वो इस पर्टिकुलर केस के कंक्लूजन तक कैसे आया वाई एक्सपीरियंस इज़ सफिशियंट बेसिस फॉर ओपिनियन वो जो भी ओपिनियन दे रहे हैं वो किस तरह से सफ़ीशियंट है इस पर्टिकुलर केस के लिए एंड हाउ दैट एक्सपीरियंस इज़ रिलायबल अप्लाई टू द फैक्ट्स एंड उस जो भी वो रिपोर्ट दे रहे हैं जो भी वो फैक्ट बता रहे हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर केस के लिए कैसे रिलाईबल है तो वहाँ पर डॉबर्ट स्टैंडर्ड में उनको पूरा खुद को जस्टिफाई करना होता था पूरी तरह से रिपोर्ट को जस्टिफाई करना होता था उनके ख़ुद के मेथड को जस्टिफाई करना होता था एंड उनका जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है उनकी जो भी ट्रेनिंग है उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करना होता था कि हाँ ऐसा 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 है इस वजह से मैं ऐसा ऐसा कह रहा हूँ एंड दैट्स वाई जो मेरी रिपोर्ट है वो बिल्कुल रिलायबल है उसमें कुछ भी गलती नहीं है उसके लिए उनको प्रॉपर साइंटिफिक मेथड प्रिंसिपल्स वो सब कुछ ओवरऑल बताना पड़ता था लेकिन फ्राई में क्या था सिर्फ जितना भी जो एक्सपर्ट है उनका एक्सपीरियंस देख लिया उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास ज़्यादा ट्रेनिंग है तो वो सही ही कह रहे हैं ठीक है तो ऐसा होता था फ्राई स्टैंडर्ड में इसी वजह से यही सारे कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से जो फ्राई स्टैंडर्ड थे वो उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं माने जाते थे इन कंपैरिजन टू डॉबर्ट स्टैंडर्ड डॉबर्ट स्टैंडर्ड को ज़्यादा रिलायबल माना जाता था इनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी इसीलिए लिए डॉबर्ट स्टैंडर्ड को मैक्सिमम स्टेट्स में यूज़ किया जाता है यूएस में इन कंपैरिजन टू फ्राई स्टैंडर्ड फ्राई स्टैंडर्ड जो है उनको बहुत ही कम स्टेट्स में यूज़ किया जाता है यूएस में ठीक है एंड ये दोनों के दोनों जो भी हैं डॉबर्ट स्टैंडर्ड एंड फ्राई स्टैंडर्ड ये दोनों के दोनों स्टैंडर्ड्स रूल्स हैं यूएस बेस्ड रूल्स हैं यूएस के लिए हैं ठीक है थीके? तो ये हो गया यहाँ पर आपका फ्राइ स्टैंडर्ड एंड डॉबर्ट स्टैंडर्ड के बारे में ओवरऑल हर एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है यहाँ पर ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होता है एंड इसके अलावा यहाँ पर फ्राई स्टैंडर्ड एंड डॉबर्ट स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा है मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है जितना भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके खुद के जनरल सेंस में आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है तो यहाँ पर यह वाला टॉपिक कम्प्लीट होता है एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड एक में अपकमिंग वीडियो आने वाला है जो कि इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड है वो जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका नाम मैं अभी रिवील नहीं करूँगी लेकिन जब भी जैसे ही वो वीडियो उसका प्रीमियर आपको मिल जाएगा तो उस वीडियो को ज़रूर से देखेगा वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ठीक है तो चलिए यहाँ पर ये यह वीडियो कंप्लीट होता है एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज टेलीग्राम चैनल एंड ब्लॉगर पे यहाँ पर उनकी लिंक दे रखी है आप जस्ट लिंक पर क्लिक करेंगे एंड आप डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाएंगे एंड एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर स्टे ब्लेस्ड एंड बाय